राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग ऐसे ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो कि शहर के अंदर जाम की स्थिति पैदा करते हैं। दरअसल परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा की माने तो उनका कहना है कि एक सरकार की योजना है कि ई रिक्शा को प्रमोट करना है। हमारे शहर में इन ई रिक्शा वालों के माध्यम से कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो या फिर ऐसी जगह संचालित न हो जहां पर की ट्रैफिक चलने में परेशानी आती हो। उसके लिए देहरादून शहर में पहल करते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रवर्तन टीम के द्वारा ऐसे वाहनों पर लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा या ऑटो चालकों को प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये सेवा सिर्फ डोर टू डोर पब्लिक को लाने के लिए है। वो इसको इसी जगह संचालित करें जहां पर पब्लिक आसानी से आ जा सके। इसके साथ ही विकास नगर, हरिद्वार आदि शहरों में भी इसी तरीके से व्यवस्था बनाई जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ई रिक्शा या ई ऑटो, जो कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके अंतर्गत ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है, हमारे द्वारा शहर में इन वाहनों के माध्यम से कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो या ऐसी जगह वो संचालित ना हो जिससे कि नॉर्मल ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम आती हो, उसके लिए देहरादून शहर ने पहल करके SSP महोदय के माध्यम से ऐसे 6 रूटों को प्रतिबंधित कर दिया था जिस पर हमारी प्रवर्तन टीम और ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। इसके अलावा प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम ई रिक्शा और ई ऑटोज़ को बता रहे हैं कि क्योंकि ये सुविधा डोर टू डोर पब्लिक को लाने के लिए है, वो ऐसे क्षेत्रों में संचालित करें जहाँ से पब्लिक को आकर आसानी से बस उपलब्ध हो। इसी के अंतर्गत जितने भी बड़े शहर हैं जैसे ऋषिकेश हुआ और हरिद्वार हुआ और विकास नगर हुआ, वहाँ पर भी हम ई रिक्शे का रेगुलेशन कर रहे हैं। ऋषिकेश के अंदर हमने 6 रूट चिन्हित किए हैं जिस पर कि हम लोग उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। विकास नगर में ऑलरेडी 2 रूटों पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने हरिद्वार के ऊपर पूरा सर्वे कराकर ऐसे रूट चिन्हित कर दिए हैं। 8 रूट ऐसे चिन्हित हो चुके हैं जिन पर कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे।